गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका राउंड मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस शांति काल का उपयोग आप आपकी तैयारी में अवश्य कर रहे होंगे। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट इस समय को जिसको हम शांति काल कहते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी कहीं दिख नहीं रही है, तो उस समय का उपयोग आपको अपने क्रियात्मक काम के लिए यानी कि आपकी तैयारी के लिए लगातार लगे रहना है, भले ही आप 3-4 घंटे ही क्यों ना पढ़े। मैं फिर कह रहा हूं, आप आपकी तैयारी को विराम नहीं दें बिल्कुल भी, कि सर वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए एक बार वापस मेरी तरफ से मोटिवेट करने के लिए। स्टूडेंट देखिए, मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं कि आपको अधिक से अधिक टाइम मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि ये जो समय है उसका उपयोग जिसने भी स्टूडेंट ने कर लिया वो सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा, बजाय उनके कि जो अभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी एक आंकड़ा चल रहा है आपका राजस्थान में कि भाई वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 27,844 पद रिक्त हैं शारद दर्पण पर। ठीक है, ये स्टूडेंट वरिष्ठ अध्यापक के वर्तमान में 27,844 पद रिक्त हैं। तो अब इसमें से स्टूडेंट आपको पता है कि अभी 9,000 की आरपीएस द्वारा भर्ती चल रही है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही लगभग सभी जोन के अंदर, जो भी आपके 8 जोन है, सभी में आपको लगभग लगभग वैकेंसी का काम द्रुत गति से चल रहा है। कुछ एक में दी जा चुकी है ये आपको पोस्टिंग, और कुछ एक में प्रोसेस में चल रहा है। तो उसमें देखिए, आप 27,000 में से आप 9,000 घटा देंगे स्टूडेंट, तो आपके 18,844 पद तो फिर भी रिक्त रहेंगे ही इसके सेकेंड ग्रेड के। इन 9,000 को ज्वाइनिंग देने के बाद भी स्टूडेंट आपके, आप देख सकते हो स्टूडेंट कि 18,844 पद रिक्त रहेंगे। अब इनका क्या होगा, मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये जो पद है स्टूडेंट उसमें से आपके, मान के चलिए स्टूडेंट कम से कम आपके जो 10,000 के आसपास पद है, यानी कि आपके 9,000 से 10,000 पद पर स्टूडेंट आपके डीपीसी हो जाएगी, मतलब कि आधे पदों पर, है ना, 9,000 से 10,000 पदों पर स्टूडेंट आपके डीपीसी होनी है, क्योंकि स्टूडेंट ये भी आपके पिछले 3 साल से लंबित है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 18,844 में से आपके 9 से 10,000 पद डीपीसी जो विभागीय जो आपकी प्रक्रिया है उसमें चले गए, तब भी स्टूडेंट आपके पास में लगभग 8,000 प्लस पद बचेंगे जो कि आपके आरपीसी द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, आरपीसी से, है ना। तो स्टूडेंट ये पूरी गणित है कि 8,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपकी सेकंड ग्रेड की आनी चाहिए, जो फिलहाल मेरे को क्लियर कट दिख रही है ना। पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया, वर्तमान में ये पद रिक्त हैं, डीपी 9,000 निकल जाएंगे जो आरपीसी से हैं, वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है 18,844 बचेंगे, इसमें से स्टूडेंट अगर आप 50% के हिसाब से 9 से 10,000 पद मान ले डीपीसी हो जाएगी, वो भी लंबी थे पिछले 3 सेशन से, उसके बाद भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 8,000 प्लस पद आरपीसी से भरे जा रहे हैं, ये स्टूडेंट कन्फर्म बात है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि 2013 से और 2018 का जो बीजेपी के जो शासनकाल था स्टूडेंट, उसमें आपके लगभग 15,000 पदों पर, 15,000 क्या, लगभग आपके 18,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, है ना, विज्ञप्ति आई थी आपकी सेकेंड ग्रेड की, दो बार आई थी, 9.5 और 8.5 के आसपास लमसम थी, यानी कि 18,000 पदों पर विज्ञप्ति आई थी इन 5 सालों में। लेकिन देखिए, पिछले 5 सालों में यानी कि 18 से और 23 के बीच में स्टूडेंट केवल एक ही भर्ती आई है सेकेंड ईयर की 9,000, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, और पिछले 5 सालों में स्कूलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, और आप देख रहे होंगे आजकल अखबार में पढ़ते रहोगे कि उन स्कूलों के अंदर पदों का आवंटन भी शुरू हो गया है ना। तो स्टूडेंट देखिए, 13 से और 18 के बीच में जो 18,000 पदों पर भर्ती आई थी, और 18 से 23 के बीच में 9,000 पदों पर भर्ती आई है, और स्कूलों की संख्या जाहिर सी बात है इन 5 साल के कंपेरिजन में 2018 से और 23 के बीच स्कूलों की संख्या बढ़ी होगी, कम तो हुई नहीं होगी, है ना। तो ये 9,000, तो उसमें देखिए संख्या काफी कम है, ये 9,000, मैं केवल आरटीसी की बात कर रहा हूँ, डीपीसी की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसमें 9,000, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि बहुत जल्दी एक भर्ती की जरूरत है। आप क्यों नहीं सोचे कि नई सरकार आएगी तो 2 साल बाद वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, 2024 की पूरी पूरी संभावना है, और मुझे लगता है कि अपर हाफ यानी कि जुलाई से पहले ही संभावना पूरी बनती है, क्योंकि 9,000 पदों की भर्ती हुई, जहां यानी कि आधे पदों पर भी भर्ती हो पा रही है पिछले 5 सालों के कंपेयर में। तो ये जो मैं बोल रहा हूं आपको 8,000 प्लस, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि विद इन 6 महीने के अंदर में वैकेंसी आपकी आ जानी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कितना आधे पदों पर ही भर्ती हुई आरटीसी के द्वारा, तो इनकी जरूरत है बहुत ज्यादा 8,000 पदों की, तो ये भर्ती अवश्य आएगी। ठीक है,
हो सकता है जब विज्ञापन जो जब आपके विज्ञापन आए फर्स्ट विज्ञापन उस समय कुछ पद कम आए, लेकिन अंतिम समय तक जो विज्ञापन रिवाइज होते रहते हैं 203 बार, पहले भी कई बार हुए हैं, तो आपको मेरे ख्याल से लास्ट में फिगर 8,000-9,000 के लमसम नजर अवश्य आएगा। अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट इसमें मैथमेटिक्स की क्या संभावना रह सकती है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ के अगर आपके 8,000-9,000 पदों पर भर्ती आएगी स्टूडेंट तो उसमें सबसे ज्यादा पद मैथ के ही होने चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा पद स्टूडेंट उसमें मैथ के ही होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके पीछे पूरा लॉजिक है मैथ ही होने चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ जो आपके 1318 में जो 18,000 पद आए थे स्टूडेंट उसमें जो आपके जो मैथ के जो पद थे स्टूडेंट, है ना, दो बार मैं आपको बोलूं तो लगभग स्टूडेंट इसमें से आपके 2500 के करीबन पद थे, है ना, 2500 के करीबन पद थे दोनों मिलाकर के, ठीक है। अब मैं बात करूं स्टूडेंट कि क्या हुआ है आपका अभी जो भर्ती आई है 9,000 की स्टूडेंट इसमें आपके लगभग मात्र केवल 900 पदों पर ही भर्ती हो पाई है, 700 तो खाली चले गए 1600 में से। तो देखिए स्टूडेंट 1300 से 1818 के बीच में अगर आपके 2500 के लमसम पदों पर भर्ती हो रही है, 2500 प्लस ही थे, कम तो नहीं थे, है ना, 2500 प्लस पदों पर स्टूडेंट अगर भर्ती हो रही है और यहां तक आपको 900 पद ही मिल पाए तो इस बार लगभग आपके 1500 से और 2000 पद बिल्कुल आने चाहिए सेकेंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स से, 1500 से 2000 पद, तो इसलिए एक बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना स्टूडेंट है। सबसे ज्यादा पद मेरे ख्याल से मैथ्स की होनी चाहिए, तो आपको फिर तैयारी में लगे रहना है, ठीक है, इस समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग करना है, आप अपनी मैथ्स को बार बार रिपीट करते रहिए, भले आप जीके ना पढ़े कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन आप मैथ्स को लगातार करते रहिए स्टूडेंट, वही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी कि आप जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी तब तक आपका मैथ्स का सिलेबस बीएससी पार्ट और लेवल 12 कंप्लीट हो जाए, बस आप इस कंफर्टेबल स्थिति में रहें तो फिर आप देखिए आपका सिलेक्शन कैसा भी पेपर आए जरूर होगा, उसको वो रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने पूरे स्टेट्स आपके सामने रख दिए हैं, जो भी वास्तविकता थी बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन आप अपनी तैयारी वास्तविक खुशखबरी वही होगी जब आपका सिलेक्शन हो और रोल नंबर रिजल्ट वाले दिन आपको ढूंढने पर मिल जाए, बस तैयारी में लगी रहिए। रामोज मैथ्स क्लास हमेशा आपके साथ है, जो भी आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़ेगी सहयोग की टॉपिक वाइज आपको कंटेंट वाइज स्टूडेंट सब कुछ मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराता रहता हूं, बस आप अपनी तैयारी में लगी रहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स, धन्यवाद।